गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, है ना? चलिए, घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, पर घर में रहिएगा ज़रूर, है ना? चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री और लेते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, है ना, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। चलिए क्वेश्चन राइट करिए। क्वेश्चन, व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ठीक है, आंसर राइट करिए। कॉलिगेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज द प्रॉपर्टीज properties of the solution which are dependent on the number of solute particles but not on its nature are called colligative कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो क्या होती है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़? द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, विच आर डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट। जो प्रॉपर्टीज़ किस पर डिपेंड हो? ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट, है ना, किस पर डिपेंड हो? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, बट नॉट ऑन इट्स नेचर, उसके नेचर पर डिपेंड ना हो, इट इज़ कॉल्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पर बेटा जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो कितने टाइप से होती हैं? 4 टाइप्स से। तो यहाँ पर हमें 4 टाइप्स से कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ की क्या करनी है? स्टडी करनी है। तो यहाँ पर राइट करते हैं, There are four types of colligative properties of a solution। ठीक है, तो फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर
डिप्रेशन, ठीक है। सेकेंड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और फोर्थ है ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब इनकी हमें डिटेल में क्या करनी है, स्टडी करनी है, ठीक है, कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। चले स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है इसको देखते हैं। चलिए, व्हेन इम्प्यूरिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट added in a pure solvent. The vapor pressure of solution decreases. This is known as relative lowering of वेपर प्रेशर, ठीक है। देखें,
when impurity of non-volatile solute is added in a pure solvent, हमें प्योर सॉल्वेंट में किसको ऐड करना है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो कि वेपर के फॉर्म में क्या होगा, चेंज नहीं होगा, उसकी इम्प्योरिटी को क्या करना है, सॉल्वेंट में ऐड करना है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट में आप किसको ऐड कर रहे हो, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, तो दोनों को मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन। तो कंडीशन क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, दिस इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो क्या होता है कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, ये बात हम आपको पहले अभी बता चुके हैं। तो इट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। चलिए इसको किससे डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ठीक है। इससे इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब भाई ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो इसका भी मैथमेटिकल फॉर्म हम देख लेते हैं, राइट करते हैं। अकॉर्डिंग टू राउल्ट, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, है ना, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, जो कि आप पहले देख चुके हो, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, राउल्ट्स लॉ इक्वेशन, है ना, वहाँ पर इक्वेशन थी, क्या थी इक्वेशन, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ये इक्वेशन कहाँ से निकाली थी हमने, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ देखें, वी नो दैट, आपको मालूम है, वी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, ये भी आपने निकाला हुआ है, ऑफ सॉल्यूशन क्या निकाला है आपने, एक्स ए इक्वल्स टू, सॉरी एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू वन, है ना। तब कंडीशन क्या होगी, जरा देखो भाई, एक्स ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स बी, यही होगा, वन माइनस एक्स बी, ठीक है। अब एक्स ए की वैल्यू भाई पुट कर देते हैं कहाँ, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो पुटिंग एक्स ए इक्वल्स टू वन माइनस एक्स बी, है ना, कहाँ पर, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ऑफ इधर राइट कर देते हैं हम बाकी, है ना, ऑफ ये सॉल्यूशन यहाँ ऐड कर देते हैं, ठीक है भाई। रख दीजिए एक्स ए की वैल्यू, है ना, इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या होगा, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए वन माइनस एक्स बी, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए, है ना, माइनस पी नॉट ए एक्स बी, क्लियर यहाँ पे। चलिए अब देख लेते हैं, अब उस कंडीशन में क्या होगा, पी नॉट ए को इस तरफ ले आइए, एक्स बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए, ठीक है। तब एक्स बी इक्वल्स टू क्या होगा भाई, एक्स बी इक्वल्स टू हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ठीक है। ये देखिए आ गया एक्स बी इक्वल्स टू
एज इट इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ठीक है भाई कॉलीगेटिव देखें कैसे राउड लॉ के अकॉर्डिंग क्या था पी इक्वल्स टू पी नॉट ए और एक्स ए आप फाइंड कर चुके थे है ना अभी देखें वी नो दैट आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन ये भी आपने फाइंड किया हुआ है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वन तब एक्स ए की वैल्यू निकाल लीजिए वन माइनस एक्स बी तब पुटिंग एक्स ए की वैल्यू कहाँ पर रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में ठीक है रख दें पी इक्वल्स टू पी नॉट ए वन माइनस एक्स बी तो पी इक्वल्स टू पी ए माइनस सॉरी पी नॉट ए माइनस पी नॉट एक्स बी तो पी नॉट एक्स बी इक्वल्स टू हो जाएगा इसको इस तरफ ले आइए तो पी नॉट ए माइनस पी ए एक्स बी की वैल्यू आ जाएगी पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए ठीक है ये क्या है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ठीक है बेटा कल हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म करेंगे है ना क्वेश्चन करेंगे कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ना आज के लिए इतना ही थैंक यू बेटा हैव अ नाइस डे